कितने सुंदर है। हम लोग कहाँ है? शायद ये हमारा भोजन है। तुम सही कह रही हो, मुझे स्ट्रॉबेरी मिली है, ये पकी हुई है। ये तो पक्का है। बहुत भाग्यशाली हो। अब मैं थाली खोलती हूँ। क्या प्यारा लॉलीपॉप है। एक सेकंड रुको, उसके अंदर क्या है? ये एक विशाल कॉकरोच की तरह दिखता है। चलो तो अब तुम्हारी स्ट्रॉबेरी से शुरुआत करते हैं। मुझे जरा भी ऐतराज नहीं है। क्या मैं भी इसे खा सकती हूँ? एमा को पता नहीं चलेगा। मुझे कैसे पता नहीं चलेगा? मुझे मेरी बेरी दे दो। नहीं, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। खैर, मेरे पास तो केवल एक पत्ता बचा है। तुम्हें यही चाहिए मेरा अंडा? यह मेरी बेरी है और इसे मैं ही खाऊंगी। कितनी स्वादिष्ट लग रही है, मैं अभी इसे चुरा लूंगी। मेरी प्लेट खाली क्यों है? बेरी सब कहाँ है? मिरांडा, क्या ये तुम्हारा काम है? मुझे बदला लेना होगा। अपना मुंह खोलो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, तुम्हें खाना पड़ेगा। तुम कितनी क्रूर हो एमा। ये देखने में कितना खराब है। क्या तुमने सब खा लिया? उसमें तो कॉकरोच था। अरे नहीं, मैं उसके बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। अब ये मेरे मुंह में है। कितना भयानक। ऐसा लगता है कि वो जिंदा है। ये एक बुरे सपने जैसा है। कॉकरोच मेरी ओर दौड़ रहा है। क्या करूं? ये लो, ये तुम्हारे लिए है। मैंने कहा पास मत आना। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो यहाँ है। तुमने इसे डंप क्यों किया? वो हम पर ही गिरेगा। लगता है सब ठीक है, वो कहीं नहीं दिख रहा है। जल्दबाजी मत करो, तिलचट्टा ठीक तुम्हारे सिर पर है। अरे नहीं, या नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगी एमा। रुको, मेरे पास एक बड़ी चप्पल है। कितना दर्द हो रहा है। मदद के लिए धन्यवाद मिरांडा। लगता है कि मेरी योजना काम नहीं कर पाई। वाह, नया खाना। मैं पहले खोलूंगी। ये तो छोटा सा टॉयलेट है, अच्छा लग रहा है। लेकिन तुम इसका क्या करोगी? कुछ ना कुछ सोचना होगा। लेकिन पहले अपने डिश से ढक्कन उठाओ। इतनी ज्यादा गमी आंखें, सुपर। तुम तो किस्मत वाली निकली। अब खाने का समय है। मुझे किससे शुरुआत करनी चाहिए? शायद इस आग से। तुम क्या कर रही हो एमा? फालतू के काम करना बंद करो। ठीक है, लेकिन बोर मत करो। कितना स्वादिष्ट, मैं खाते रहना चाहती हूँ। ये तो दूसरी आँख है। कितनी मुलायम है। मैं खुश हूँ, अब मुझे रोका नहीं जा सकता। शायद तुम मेरे साथ शेयर करोगी। मैं नहीं, मेरे पास ज्यादा नहीं है। तुम बहुत मजाक किया हो एमा। तुम्हारा मुंह तो गमी आंखों से भरा है। ये इतना ही नहीं है। ओ, ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा चूक गई। यह तुम्हें सूट करता है। यदि तुमने खत्म कर लिया है तो मैं देखने के लिए तैयार हूँ कि मेरे टॉयलेट में क्या है। वाह, मुझे यहाँ एक साथ दो लॉलीपॉप दिखाई दे रहे हैं। मुझे इसे जल्दी से चख कर देखना है। तुमने मेरे चेहरे पर रैपर क्यों फेंका? मैं देख रही हूँ कि वो अपनी लॉलीपॉप को लेकर बहुत भावुक है। यह मेरा मौका है। तुम क्या कर रही हो एमा? ये मेरा लॉलीपॉप है। मैं केवल इस पैकेट को खोलना चाहती थी ताकि तुम इसे तुरंत खा सको। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मुझे पता है कि ऐसा नहीं है। तुम्हारी वजह से मैं टॉयलेट के बारे में पूरी तरह से भूल गई। अरे यह क्या है? यह एक पाउडर कैंडी की तरह दिखता है। सही में वो वही है। इसमें अपना लॉलीपॉप जल्द से जल्द डालना होगा। स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे यकीन है कि यह स्वादिष्ट होगा। अरे हाँ, मीठा कैरमेल और खट्टा पॉप एक साथ बढ़िया है। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक कि मैं यह सब खा नहीं लेती। मुझे भी खाने का मन हो रहा है। तुम मेरा क्यों ले रही हो एमा? तुम क्या कर रही हो मिरांडा? मुझे मारना बंद करो। माफ करो, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं इससे तंग आ गई हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या मैं पहले खोल सकती हूँ? धन्यवाद, मुझे पता था कि तुम बुरा नहीं मानोगी। बेरी फांटा, वाव, मैंने इसे कभी नहीं पिया है। तो जल्दी से खोलो। अरे नहीं, मैंने अपना नाखून तोड़ लिया। बिचारी, मुझे मदद करने दो। मुझे फैंटा खोलने का काफी अनुभव है। ये देखो, सब कुछ काम कर गया। बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं खुद भी इसे पीना चाहती थी। यह क्या, इसे वापस दो। ये मेरा फैंटा है। क्या सुगंध है। मुझे यकीन है इसका स्वाद और भी अच्छा होगा। अरे हाँ, यह बहुत ही अच्छा है। तुम मुझे धन्यवाद देने के लिए मेरे साथ शेयर कर सकती हो।
लेकिन यदि तुम नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं, मुझे तो वही मिलेगा जो मैं चाहती हूँ। कितना ताजा मजेदार स्वाद। ये स्ट्रॉ कहाँ से आया? एमा तुम फिर से? ये अजीब है, फेंटा क्यों नहीं निकल रहा? ओ मिरांडा हाय, कैसी हो? मैं तुम्हारी हरकतों से थक गई हूँ। आशा है कि फेंटा मुझे ध्यान हटाने में मदद करेगा। उप्स, मुझे माफ करो, ये स्वादिष्ट था। तुम्हारा कैन सीधा मेरे चेहरे पर गिरा। चिल्लाना बंद करो, अपनी प्लेट खोलो। यहाँ कोई प्लेट नहीं है, बस एक अजीब लाल बटन है। मुझे नहीं पता उसके साथ क्या करना है। दबाने की कोशिश करो। क्या हो रहा है? तुम कौन हो? मैं रासायनिक हथियारों के साथ काम करता हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मेरे लिए? लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुर्भाग्य से यह तुम तय नहीं कर सकती। बटन को मैं ले रहा हूँ। अरे हाँ, लगभग भूल गया, अब यहाँ हाई रेडिएशन का क्षेत्र है। मिरांडा तुम कैसी हो? सब कुछ ठीक है? बाय। यह है दुनिया की सबसे खट्टी कैंडीज। कितना भयानक। पता नहीं कि मैं इसे खा पाऊंगी कि नहीं। डरावना लग रहा है। तुम क्या बोल रही हो? यह तो बहुत अच्छा है, तुम्हें नया अनुभव होगा। ऐसा लग रहा है कि मैं बिना किसी बात के डर गई थी। तुम मुझे खिला सकती हो? माफ करो, लेकिन मैं खुद एक और लेने से मना नहीं करूंगी। इतना खट्टा, लेकिन मुझे यह भी पसंद है। तुम कुछ अजीब सी दिख रही हो, मैं भी ट्राई करती हूँ। मुझे भी इसे अनुभव करना है। यह तो वास्तव में खट्टा है। क्या अच्छा स्वाद है। अरे मेरी कैंडी कहाँ गई? मिरांडा मैंने तुमसे कहा था कि मैं उसे खुद खाऊंगी, वापस दो। क्या जार खाली है? मुझे यह इतना अच्छा लगा कि मैं अपने को रोक नहीं पाई, लेकिन अब मुझे इसका पछतावा हो रहा है। मुझे जल्दी से एक कवर की जरूरत है। ये बहुत खट्टा है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं समय रहते छुट गई। एक दो तीन, तुम शुरू करो। वाह, पॉप कैंडी और सिरप के साथ सिरिंज। मैं खुश हूँ, मुझे लगता है मैं लकी निकली। अच्छा लग रहा है। आओ देखें कि मेरे पास क्या है। ये एक छोटे से ताबूत जैसा दिखता है। मुझे इससे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है यह सोचकर कि इसके अंदर क्या है। मुझे शुरू करने दो। मुझे यकीन है कि यह स्वादिष्ट होगा। एक भी बूंद नहीं गिरना चाहिए। वाह राव, पकड़ लिया। यह मीठा सिरप है। और अब मैं पॉप कैंडी खोलूंगी। मुझे यकीन है कि वह भी मुझे उतना ही पसंद आएगा। कितनी तेज चमक है। एमा, दूसरे के काम में अपनी टांग मत अड़ाओ। यह मेरा खाना है और मैं इसे लेकर रहूंगी। वाह, मेरे मुंह में तो असली आतिशबाजी हो रही है। इन भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मुझे और चाहिए। मेरे सिर में आतिशबाजी हो रही है। वाह, कितना अप्रत्याशित प्रभाव है। देखो एमा, मेरे हिसाब से इसे बुझाने का समय आ गया है। मिरांडा रुको, लगता है कि इसमें सिरप मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद एमा, तुमने ठीक समय पर मदद की। अब तुम्हारी बारी है। बेहतर होता कि तुम इसका जिक्र ना करती। मुझे बॉक्स खोलने में डर लग रहा है। उसमें से भाप निकल रही है। यह क्या है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। करीब से देखने की कोशिश करो। ये एक मसालेदार नेचो जैसा दिखता है। बेचारी एमा, मुझे माफ कर दो। कितना भयंकर, ये बहुत मसालेदार है। मेरी जीभ जल रही है। लेकिन तुम्हें सब कुछ खाना होगा, चाटना नहीं। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अब कुछ होगा। आग, मैं जल रही हूँ। मिरांडा मेरी मदद करो। अरे नहीं, ये नहीं, मेरी तरफ मत देखो। ये मुझे दूर ले जा रहा है, इसे रोको। मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। ओह, ऐसा लगता है कि मैं वापस आ गई हूँ। कम से कम कुछ अच्छी खबर है। हे मिरांडा, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, पर तुम ठीक नहीं लग रही हो, और तुम भी। अब तैयार हो जाओ, यह समय है लहसुन का। मुझे पता है इसकी गंध अच्छी नहीं है। मुझे बहुत सारे मिले हैं, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें ज्यादा मिला है, मेरे पास एक पूरा पहाड़ है। मुझे एक मिला है, लेकिन मैं भी परेशान हूँ। एथन, तुम शुरू करो, तुम बहादुर आदमी हो। मैं क्यों? छी, इसकी महक भयानक है। तो इसका स्वाद कैसा लगा? लगता है बहुत बुरा है। बेचारा ईथन, अब बस हो गया। एमा, अब तुम शुरू करो। इसे करना ही पड़ेगा। अच्छा होता कि मैं इसे फेंक देती। नहीं रुको, खाओ, मुझे इस चीज को खाना होगा। छी, यह भयानक है। यही तो मैंने भी कहा था। जूलिया, हम तुम्हारे खाने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे कोई बुला रहा है। बैठ जाओ, झूठ मत बोलो। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब सही है।
मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं इसे संभाल लूंगी। इथन इतने मतलबी मत बनो, देखो ये कितना मजेदार है। आखिर मैं ये गंदी चीज क्यों खा रही हूँ? तुम्हें पता है यहाँ किस चीज की कमी है? वैम्पायर की। मूर्ख मत बनाओ इथन, बस थोड़ा सा बाकी है, पूरे लहसुन खाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, और मैं तुम्हारे बिना भी बीमार पड़ रही हूँ। ये तुम हरे रंग की हो गई हो। मैं मर रहा हूँ। आखिर ये तमाशा खत्म हो गया, और ऊपर वाला करे कि हमारे पास कभी लौट कर ना आए। लड़कियों, तुमने वैम्पायर को हरा दिया। मजा एक तरफ है और खाना एक तरफ। पैनकेक्स। इथन के पास एक है, एमा के पास उससे ज्यादा, और जूलिया के पास एक पूरा टावर है। मुझे भूख लगी इसलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। पैनकेक को और अच्छा करने के लिए मैं इस पर क्रीम और M&M डालता हूँ, और यह बहुत स्वादिष्ट निकला। लाजवाब एमा, अब तुम्हारी बारी। ओके। मैं भी अपने पैनकेक को कुछ बेहतर बनाऊंगी। पहले मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, यह बेलन इसमें मेरी मदद करेगी। और अब इसके ऊपर से यह क्रीम डालने का समय। क्रीम का पूरा पहाड़, और उसके ऊपर से मार्शमेलोस और कैंडी भी। यह तो पूरा एक केक ही बन गया, बड़ा और स्वादिष्ट। तुम इसे अपने मुंह में कैसे डालोगी? उसकी चिंता मत करो, मुझे ऐसी स्वादिष्ट चीज खाने की आदत है। मैं भी अपने पैनकेक को बेलना चाहती हूँ। इथन, यह बेलन मुझे दो। हाँ, यह लो। इस तरह से, और इधर। गिर रहा है सीधा हमारे ऊपर। माफ करना। लो, यह लो, पैनकेक लो। और अब मिला है गम। इथन को बहुत ज्यादा मिला है, जूलिया के पास उससे थोड़ा कम है, और एमा को एक से ही संतोष करना पड़ेगा। परेशान मत हो। ओहो, मेरे पास आओ मेरे प्यारे गम। खैर, चलो शुरू करते हैं। यह बहुत रसदार है और बहुत सारे हैं। इतना निश्चित कर लो कि यह तुम्हारे मुंह में समा जाए। मेरा मुंह बहुत बड़ा है, मैं कर सकता हूँ। बदमाश कहीं के, मेरे पास भी गम है। अरे जूलिया, मुझे तुमसे कुछ काम है। हाँ बताओ। चलो उसे हिप्नोटाइज करते हैं, और फिर हम उसका सब ले लेंगे। हाँ, मेरे पास एक विशेष प्रकार का गोला है। अरे इथन, हाँ तुम्हें क्या चाहिए? इधर देखो। हो गया। मैं उसके हाथों को बांध देती हूँ। सारे गम ले लो। क्या, छोड़ो, ये मेरे हैं। ये ठीक नहीं कर रही हो। हमने किसी बदमाश को धोखा दिया। उसे वापस करो, चोर। तुम अपने चिल्लाने से बोर हो रहे होगे। हमें तुम्हारे मुंह को किसी तरह से बंद करना होगा, और उसमें यह गम ठीक से काम करेगा। बहुत बढ़िया आइडिया। एक, दो, तीन, और हमारी टेबल पर नींबू ने अपनी जगह बना ली है। हमें पता है कि आप उसे उतना ज्यादा पसंद नहीं करते, पर एमा के पास ये बहुत ज्यादा है, इथन के पास कम, और जूलिया के पास केवल एक है। जूलिया, तुम शुरू करो। ठीक है जी। ओफ, कितना खट्टा। इथन, अब तुम्हारी बारी। ओह ठीक है। यह मेरे लिए भी बहुत खट्टा है, मैं तो रो ही दूंगा। एमा, अब तुम्हारी बारी। हाँ, आसानी से कर लूंगी। खट्टा, पर तुम खा सकते हो। शायद नहीं, यह बहुत खट्टा है, इसे फेंक दो, या फिर इसका जूस हमें बचाएगा। बहुत अच्छा आइडिया जूलिया। यह एक विशेष प्रकार का नल है। इथन, मुझे एक ग्लास दो। यह लो, यह सच में अच्छे से काम कर रहा है। एक ग्लास काफी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा यह दूसरा ग्लास भी काफी नहीं होगा, दूसरा दो। यह बहुत बड़ा ग्लास है, और यह भी पूरा भर गया। देखो, गिराओ मत। यह प्लेट लो, यह मदद नहीं कर रहा है, कुछ और लाना होगा। ओह, खट्टा जूस।
इथन आगे बढ़ो और कुछ बनाओ। आसान है, हॉट डॉग्स। एमा के पास एक है, जूलिया के पास कुछ ज्यादा और इथन के पास 100 है। मैं पहला लूंगी और केचप से कुछ नुकसान नहीं होगा और मस्टर्ड भी। और मैं, चलो हटो, यह समय है खाने का। यह स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। इथन अब तुम, यह अब स्वादिष्ट होगा। एमा, क्या मुझे कुछ सॉस मिल सकता है? हाँ क्यों नहीं, लो। बहुत बढ़िया, मुझे खुद भी पता नहीं कि इतना सारा मैं कैसे खाऊंगा। इथन महान भूखर है, मैं रुक नहीं सकता। अब मेरी बारी है, कैसा रहेगा अगर मैं, बिल्कुल। वहाँ क्या है? अब हम अपने भूखर के साथ कुछ शरारत करेंगे, देखते हैं उसे यह गुब्बारा कैसा लगेगा। इथन, यह तुम्हारे लिए है। ओ, एक और हॉट डॉग, और यह कभी मेरे लिए ज्यादा नहीं होता है। ओ, बूम। कैसा लगा? वाओ, चुपा चुप च्युइंगम से बेहतर और क्या हो सकता है? मुझे लगता है कुछ भी नहीं। जूलिया के पास बहुत सारे हैं, इथन के पास थोड़े कम और दुर्भाग्य से एमा के पास केवल एक है। मुझे और चाहिए था, और मेरे लिए काफी है। इतना च्युइंगम तो मैं जिंदगी भर खाऊंगी, बहुत बढ़िया है। एमा देखो, अरे वाह इथन देखो, वाह, जलन हो रही है, मेरे पास ज्यादा है इसलिए। एक दो स्ट्रोक और सारे गम मेरे मुंह में है। ये कितने स्वादिष्ट रसदार है, देखो कितने सारे हैं। शेक ही बगाड़ना बंद करो। हालांकि मेरे पास गम है, फिर भी गम गम ही होता है और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भी। और मुझे और चाहिए, बिल्कुल। थोड़ा सा जादू और देखो कितना बड़ा पैक है। ओ, तुम एक असली जादूगर हो। और अब मेरे पास बहुत सारे गम है। नॉम नॉम नॉम। अरे तुम्हें मेरा बबल कैसा लगा? ओ, मुझे पकड़ो, मैं उड़ रही हूँ। मैं भी कर सकती हूँ। ओ हाँ, मैं उड़ रही हूँ। एमा देखो, वो उड़ रही है। क्या एमा, और तुम भी, तुम लोग कहाँ जा रही हो? रहे हैं, मेरी पोती क्या खाना चाहती है? मुझे ऐसी आइसक्रीम चाहिए। मुझे ऐसी रेसिपी पता है, ये फ्राइड आइसक्रीम है। आइसक्रीम की ऐसी कंसिस्टेंसी को पाने के लिए इसे टुकड़ों में बारीक कटा हुआ होना चाहिए। यह आसान है दादी, आप और मैं भी ऐसा कर सकते हैं। टक टक टक, एकदम आसान। अपने चाकू ठीक से रखो बच्चे, और इस तरह से किचन में खाना मत फैलाओ। ऐसा तब होता है जब नौसिखिए काम पर लगते हैं। नहीं, ये अच्छा नहीं है। मैं इसे इसकी ओरिजिनल रेसिपी के अनुसार बनाऊंगी। हमें एक प्लेन सतह पर दूध और क्रीम डालना होगा, और फिर किसी भी बेरीज को काट ले, मेरे पास स्ट्रॉबेरीज हैं, और दूध के साथ मिलाएं, और सबको अच्छे से चॉप करें। जब ये मास थोड़ा हार्ड हो जाए, हम इसे काट सकते हैं और ट्विस्ट करके रोल कर सकते हैं। हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, कट और ट्विस्ट, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे ग्लास में डालूंगी और इसे सजाऊंगी। मैं व्हिप क्रीम मिलाऊंगी, पर ये थोड़ा फीका लग रहा है। मैं इसे रेनबो स्किटल्स कैंडी से सजाऊंगी। सुंदरता के लिए एक सुगर ट्यूब और ओरियो कुकीज। अब दादी भी अपनी आइसक्रीम को टुकड़ों में काट लेंगी। हाँ, इस तरह से इसे अंदर कटोरे में रख लिया और उस पर स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। दादी आप ऐसे गलत कर रही हैं, और सॉस मेरे लिए भी उपयोगी है, और मैं गमी बेर भी डालूंगी, और मैं कुछ बेरीज भी डालूंगी, स्ट्रॉबेरी और फिर ब्लूबेरी। मैं सब कुछ स्प्रिंकल से सजाऊंगी। ताराम, एकदम सही। यह कितना बेकार लग रहा है। यहाँ जैन, देखो और सीखो, हम आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजा सकते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद पूरी तरह से आइसक्रीम के मिठास के साथ मिल जाएगा। नींबू के छिलके का उपयोग असामान्य सजावट के लिए किया जा सकता है।
आइसक्रीम को लंबे समय तक शेप में रखने के लिए थोड़ी बर्फ डालते हैं। और सर्विंग के लिए मैं ड्राई आइस का उपयोग करूंगी, जैसा कि महंगे रेस्टोरेंट में किया जाता है। मैं थोड़ा स्मोक भी डालूंगी और इसे ढक्कन के नीचे रख दूंगी। और देखो ये तैयार है। शेफ की आइसक्रीम कितनी सुंदर तैयार हुई है, एकदम शानदार। हाँ, दादी की आइसक्रीम इतनी प्रभावशाली नहीं लग रही। बहन के एक कप में बहुत सारी सामग्रियां हैं, लेकिन देखते हैं किस तरह की आइसक्रीम बेबी ग्लोरिया को सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मुझे यह चाहिए। वाह, स्ट्रॉबेरी और क्रीम, बहुत स्वादिष्ट। वाह, क्या फॉग है वहाँ, क्या है? वाह, मैं ऐसा ही चाहती थी। कितना धुआं। हाँ, यह खट्टा है, यह थोड़ा अजीब लग रहा है। स्वाद भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसे चुनती हूँ। अरे, यह मेरा है। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। दादी, ग्लोरिया खाना मांग रही है। मुझे लॉलीपॉप चाहिए। यहाँ देखो, ऐसे स्टिक पर रंगीन। क्या दादी को ठीक से नहीं दिखता? ओह, ऐसा, मैं समझ गई। दादी हमेशा ऐसा बनाती है। पहले चीनी को पानी में उबालने की जरूरत है। इसके लिए पानी ले और इसमें चीनी डाले और इसे हिलाते रहना होगा। क्या तुम्हें रेसिपी पता भी है अम्मा? इसे दोहराओ। वे हमेशा लड़ते रहते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा है। चीनी और पानी, इसे किसी सॉस पैन में डाले और इसे अच्छे से हिलाते रहे। हाँ। सांचों में डालने से पहले हमें कारमेल का तापमान जांचना होगा, नहीं तो इसमें क्रैक आ सकता है। बिल्कुल सही। अब इसे सांचों में डाल सकते हैं और रेनबो कलर को डालें, जैसा कि ग्लोरिया को चाहिए। हाँ दादी, देखो और सीखो। ओह हाँ, सच में ग्लोरिया एक रंगीन लॉलीपॉप चाहती थी। हाँ, मेरे पास एक नेचुरल डाई है। दादी तुम बहुत मजबूत हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो दादी नहीं कर सकती। हाँ, यह अब इसे सांचों में डाल सकते हैं, इस तरह से। मैं इसमें यह स्टिक डाल देती हूँ जब तक यह जम रही है। तो यह कारमेल जम गए हैं। अब हम इस लॉलीपॉप को निकाल सकते हैं। वाह, दादी इसकी सराहना करती है। मैं कारमेल से एक पतली छड़ी बनाऊंगी। हाँ, इस तरह से। यह रहा मेरा कारमेल। अब मैं इसे एक बड़े लॉलीपॉप में बदल दूंगी, इस तरह से। एकदम सही। ओ, लगता है कि कुछ जल रहा है। ओ, ये मेरा कारमेल है, ये जल गया। ओह, तुम कितनी अनारी हो बच्चे। मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी ऐसा लॉलीपॉप बना सकती हूँ। मेरी बहन के पास रंगीन क्ले के जार हैं। मैं उनसे पतली छड़ी बनाऊंगी और उन्हें आपस में मिलाकर मोड़ लूंगी, जैसा कि एमा ने किया था। इस तरह मेरे पास रेनबो लॉलीपॉप होगा। यह सच है, इसे खा नहीं सकते, लेकिन यह बहुत सुंदर है। सब कुछ तैयार है। एकदम सही। तुम क्या चुनोगी ग्लोरिया? दादी की कैंडी या बहन की बनाई हुई लॉलीपॉप या शेफ का बनाया हुआ कैंडी? मुझे 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 यह लेना है। यह सामान्य दिखता है। इसका कितना अजीब स्वाद है। मैं यह खाकर देखती हूँ। अजीब है, इसे मेरे क्ले की तरह बदबू आ रही है। मैं खाकर देखती हूँ। हाँ, यह मेरी प्लेडो है। किसने मेरे क्ले को बर्बाद कर दिया? वाह, यह कितना सुंदर है। बहुत ही मीठा और खूबसूरत, कितना अच्छा है। मैं इसे चुनती हूँ। अरे, मैंने इसे तैयार किया है। और अब मैं चाहती हूँ चिप्स खाना। हाँ, इसे तैयार करना आसान है। सिस्टर जेन, शेफ और दादी उत्साह से काम करने के लिए तैयार है। बस या, अब मैं आलू को पतले सर्कल में काटूंगी, ऐसे, इस तरह से। अरे, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है, फिर मुझे कैसे काटना चाहिए? मुझे कुछ उपयुक्त खोजने की जरूरत है। हाँ, यह रहा, मिल गया, मेरी कंघी। ओह, कितना भयानक। क्यों,
क्या हुआ? बस देखना कितने सुंदर स्लाइस निकलेंगे। नहीं जैन, मैं सुंदर चिप्स बनाऊंगी। देखो मैंने अपने लिए किस तरह का डिवाइस ऑर्डर किया है। इसके साथ आप आलू को एक स्पाइरल में काट सकते हैं और फिर इसे स्टिक पर लगा देना है इस तरह से। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात है, दादी अपने पुराने तरीके के साथ बेहतर तैयार करेगी। अब फ्राइंग पैन में आलू को फ्राई करना है। उसने चिप्स मांगे हैं, तले हुए आलू नहीं। और मैं एक डीप फ्रायर में स्पाइरल पकाऊंगी। डीप फ्रायर? मैं भी ऐसा ही करूंगी। अब सब कुछ तैयार है, अब बस इसे खूबसूरती से सर्व करना है, पेपरिका और नमक के साथ। दादी का भी सब तैयार है और मेरे चिप्स पर और ज्यादा केचप डालना है। मुझे बस नमक चाहिए। येलो मेरी बच्ची, खाओ। दादी के चिप्स से बहुत स्वादिष्ट महक आ रही है। बहन के चिप्स भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन शाह का चिप्स तो कमाल के लग रहे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? यह क्या है, इतना केचप? जैन ने शायद इसे पकाया है, उसे केचप बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, इसे खा सकते हैं। क्या यह फ्राइड पोटैटोज है? नहीं, यह वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मुझे चाहिए। ओह वाह, कितना सुंदर, और इसका स्वाद अद्भुत है, बहुत स्वादिष्ट। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं जीत गई। ये